टीम इंडिया के स्पिनर आर अश्विन ने इंग्लैंड के माइकल वॉन का लिया इंटरव्यू। वॉन ने इंटरव्यू में बताया कि सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस के साथ चैट करने में आता है मजा। भारतीय फैंस अक्सर माइकल वॉन की करते रहते हैं टांग खिंचाई। दिनेश कार्तिक ने जमकर की कप्तान रोहित शर्मा की तारीफ। दिनेश कार्तिक के मुताबिक रोहित ने बेहद शानदार तरीके से वेस्टइंडीज के खिलाफ दो सीरीज जीती। रोहित के इस अंदाज को मैंने पूरी तरह से किया एंजॉय। कार्तिक ने आगे बताया कि रोहित को श्रीलंका के खिलाफ भी यही एटीट्यूड मैदान पर दिखाना होगा। हैदराबाद के तिलक वर्मा ने आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी पर दिया बयान। मुंबई इंडियंस ने तिलक को 1,70,00,000 में अपने साथ जोड़ा था। तिलक का सपना है कि वो रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करें। तिलक के मुताबिक रोहित शर्मा के साथ वो क्रीज पर बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा तिलक ने सचिन तेंदुलकर की भी जमकर तारीफ की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आखिरकार न्यूजीलैंड दौरे में मिली जीत। 5 वनडे की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत हासिल की। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और मिताली राज ने अर्धशतकीय पारी खेली। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 251 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में दमदार पारी खेलने वाली भारत की स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने के बाद मंधाना ने बताया कि फॉर्म में वापस आने से उन्हें काफी खुशी मिली है। 4 मार्च से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आखिरी वनडे में मिली जीत राहत देने वाली है। रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले में शतक लगाने वाले मुंबई के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे गोवा के खिलाफ फ्लॉप। पहली पारी में 0 रन पर लौटे पवेलियन, तो दूसरी तरफ सौराष्ट्र के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा भी बल्ले से नाकाम रहे। पुजारा दूसरे मैच की पहली पारी में भी नाकाम रहे। रहाणे और पुजारा को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर रखा गया है। रणजी के पहले मुकाबले में दोहरा शतक लगाने वाले मुंबई के सरफराज खान ने फिर दिखाया बल्ले से दमखम। सरफराज ने गोवा के खिलाफ खेली 63 रन की उम्दा पारी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर रॉड मार्श को हार्ट अटैक। मार्श को क्वींसलैंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। 74 साल के रॉड मार्श बुल्स मास्टर चैरिटी ग्रुप के एक कार्यक्रम के लिए बुंडाबर्ग गए थे। न्यूजीलैंड दौरे पर गई दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका। तेज गेंदबाज लुंगी एनगेडी हुए चोटिल। कप्तान डीन एल्गर ने दी चोट की जानकारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट बुरी तरह से हारा था। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज पैर में चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान आगामी 4 मार्च से रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलेगा। दुती चंद ने नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर सीजन की शुरुआत की। दुती ने 11.44 सेकंड का समय दर्ज किया, मगर राष्ट्रमंडल और एशियन गेम 2022 के लिए क्वालिफाइंग मार्क को पूरा करने के लिए उन्हें और सुधार की जरूरत। यासर डोगू रेसलिंग में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट इस्तांबुल मीट से करेंगे वापसी। भारत के टॉप रेसलर रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया भी इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। 24 फरवरी से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 27 फरवरी तक चलेगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हटाकर जल्द नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन सकते हैं रूस के डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने पाब्लो एंडुजर पर 6-1-6-2 की शानदार जीत के साथ मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। देखो वहाँ पे। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।